आज क्या देखने वाले हैं हम कि जो थंबनेल में तो आपने देखा ही है, तो जो देसी जुगाड़ के साथ हम लोग, जो हमारे पास कॉलम की शटरिंग्स नहीं होते हैं, और अगर कॉलम टूटा है, फूटा है, क्रैक है, सलाखें दिख रही है ना, और कुछ एक जो कॉलम जो हमने फिक्स किया हुआ है यहाँ पे, इसका फोटो और इमेज हम लोग लेना भूल गए थे, तो मैं आपको ये शटर स्टॉक का एक इमेज दिखा रहा हूँ। कुछ इसी तरह का कॉलम था ये टूटा हुआ, बल्कि इससे भी ख़राब कंडीशन में था। अब हमने इसको फिक्स करने की कोशिश की हुई है, वो भी देसी जुगाड़ लगाकर, क्योंकि हमारे पास वो प्रोफेशनल शटर नहीं है, कॉलम शटर, जिससे हम उसको इस तरह से, देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, उसको पैक कर सके और कर सके, और लेबर भी टाइम पे मिलते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर इसको ठीक ना किया जाए तो उसमें से पानी अंदर जाएगा, आपकी जो सलाखें है वो जंगने लग जाएगी, और फिर बाद में वही पानी नीचे कॉलम तक जाएगा, और फिर आपका फ्लोर ख़राब कर देगा, सीलिंग ख़राब कर देगा। तो इसी का सॉल्यूशन हमने आज बताने की कोशिश की, क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया, तो मैं सोच रहा था कि आपके साथ भी शेयर करूँ इस चीज़ को, और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हुआ है, वही मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हो किस तरह से किया हमने। अब ये जो सारा मलबा आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सारा मलबा जो निकला हुआ है उस कॉलम का निकला हुआ है। अब वो जो कॉलम था इतना मजबूत नहीं था, तो उसको कुछ बहुत बड़ा सा हथौड़ा है, फिर बहुत कुछ लगने वाला है नहीं। आपके यहाँ पे जो कॉलम होगा कुछ इस कंडीशन में, वो पहले से ही जर्जर हो चुका है, तो कमज़ोर हो चुका है, वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसको आप तोड़ दीजिए, निकाल दीजिए इसे साइड में। ये देखिए इसी तरह से निकला हुआ है, इतना सारा मटेरियल निकला हुआ, और ये आप सोचोगे कि हाँ अभी मैंने तोड़ दिया, निकाल दिया, तो भी मटेरियल लगेगा कितना? तो जितना ये निकला है आप उसी से अंदाज़ लगा लीजिए, ये एक घमेला, डेढ़ घमेला कुछ मटेरियल है ये, या दो घमेला मटेरियल होगा, तो उसके हिसाब से ही आपको मटेरियल लगने वाला है। तो मटेरियल कौन सा लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अब जो हमारा पुराना कॉलम था उसको पूरी तरह तोड़ने से पहले हम उसके मेजरमेंट्स ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हो कि मैं मेजरमेंट्स ले रहा हूँ, ये 20 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर है। जैसे हम मेजरमेंट्स ले लेंगे और इसको यहाँ से भी गिन लेंगे, ये है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। अब ये जो हमारा कॉलम हमने बनाया उसके बाद का मैं मेजरमेंट दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम पहले तोड़ चुके थे उसको, और तब मेजरमेंट्स हमने लिए थे लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको मेजरमेंट्स लेने हैं। वैसे 30 है ये और वैसे 20 है। आप टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन मुझे एक हाथ से हैंडल करना था इसलिए मैंने यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल किया। हाइट में भी आप देख सकते हो 30 सेंटीमीटर है ये, और 30 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर करने के बाद इसको और अटैच करेंगे अपन, 30 प्लस 10 12 यहाँ पे दिख रहा है आपको, मतलब 42, 30 प्लस 12 तो 42 सेंटीमीटर ये हो चुका है हाइट में। हाइट आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितनी हाइट रखनी है आप उतनी इसकी हाइट बढ़ा सकते हो ऊपर में प्लास्टर करके, और ये रफ़ है ऐसे प्लास्टर करके आप उसकी हाइट और बढ़ा सकते हो। ये बनने के बाद का कॉलम है, मैं आपको एक बार राउंड साइड से पूरा इसको दिखाना चाहूँगा, चारों साइड से आप इसको देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बना हुआ है। हाइट आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हो। आप बोलोगे कि ये रफ़ दिख रहा है, तो रफ़ ही हमने रखा हुआ है इसको। फिनिशिंग आने के बाद में जब इसको रेत को छानेंगे और इसके ऊपर प्लास्टर लगाएंगे तो ये अच्छा फिनिशिंग इसका दिखेगा। अभी ये रफ़ कंडीशन में ही है, और इसके लिए कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या मटेरियल हमने लिया है, कैसे लिया है, वो हम आपको भी बताएंगे। लेकिन आप इसको देखिए कि ये बिना कॉलम शटरिंग के कितना अच्छा उभर के आया हुआ है। तो बेसिकली मटेरियल सबको ही पता है और क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, खोखा लगेगा अपने को। खोखा इन द सेंस एक बॉक्स होता है ना खड्डे का, जिसको अपन खड्डा बोलते हैं, वो खड्डे का ऐसा इस तरह का एक बॉक्स लगेगा, जिसमें मैंने ऑयल का लिया हुआ है, 15 लीटर का ऑयल का आता हुआ है, जो हमने पहले मेजरमेंट्स लिए हुए थे, तो 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और ऊपर हाइट में हमारा कुछ 40 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा था, 40-42 आ रहा था, लेकिन 40 भी चले आएगा, हाइट अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा भी रहा तो चलेगा, और ये बॉक्स होता ही है ज़्यादा, तो ये बॉक्स लगेगा अपने को। यहाँ पे सब बॉक्स ले सकते हो मेजरमेंट लेके उसी साइज़ का, और उसके बाद हमें लगेगी रेत। रेत जो है वो ज़्यादा फाइन नहीं होनी चाहिए, छानी हुई नहीं हुई तो भी चलेगा, क्योंकि हमें अभी रफ़ कॉलम बनाना है, तो उसमें पत्थर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए।
और उसके बाद हमें लगेगी गिट्टी, जिसको बजरी बोला जाता है, तो वो लगेगी कौन सी, बड़े साइज़ की नहीं, देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ आपको, छोटे छोटे साइज़ की आती है, एक मीडियम साइज़ की, बहुत ही छोटी आती है, उसको छुरी भी बोला जाता है, लेकिन एक मीडियम साइज़ की होती है, ये आप ले सकते हो, चाहे तो छुरी भी ले सकते हो और थोड़ी फाइन में कटी हुई। और उसके बाद हमें सीमेंट लगेगा, तो सीमेंट आप ओपीसी सीमेंट ले सकते हो, ओपीसी सीमेंट बेस्ट होता है स्लैब के लिए और कॉलम के लिए, बट अगर आपके पास ओपीसी सीमेंट अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पीपीसी सीमेंट भी यूज़ कर सकते हो। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पानी, पानी हमें लगेगा। तो ये कितनी क्वांटिटी में लगेगा सारा मटेरियल, तो मैं सारा मटेरियल आपको बता दूँ, ये लगेगा हमें 1.5 से 2 घमेला। जैसे हमें जो ये है बजरी है गिट्टी, इसको हमें ज़्यादा में लेना है, ठीक है, जैसे हमने 1 घमेला अगर गिट्टी ले ली तो हमें 0.5 घमेला रेत लेनी है, और हमें रेत से आधा या फिर रेत से थोड़ा कम सीमेंट लेना है, पकड़ लीजिए 1.5 से 2 किलो पकड़ लीजिए, तो इतना हमारा 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और हाइट में 42 सेंटीमीटर का जो एक कॉलम है वो भरने के लिए इनफ है। लेकिन हमारा कॉलम पूरी तरह से टूटा नहीं है, बीच में उसके ईंटे हैं तो सिर्फ साइड से ही टूटा हुआ है, हमने जितना पोर्शन उसका लूज था वो निकाला हुआ है, तो पूरा तो टूटा नहीं है, जितना लूज लगा तो उतना मटेरियल उसमें लगेगा नहीं, आपके कंडीशन में कुछ और अगर आपने ज़्यादा तोड़ दिया है तो ज़्यादा भी लग सकता है, तो इस क्वांटिटी में आप बनाइए, और अगर ख़त्म हो जाए थोड़ा थोड़ा बनाइए, ख़त्म हो जाए तो फिर से बनाइएगा। सारा मटेरियल यूज़ करके हमने देखिए इस तरह से इस बक्से के अंदर हमने भर दिया है। अब ये बक्से को, ये क्योंकि खड्डे का है, इसको बचाने के लिए भी मेरे पास एक टिप है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिससे आपका बक्सा बच जाएगा, ये खोखा जो है खड्डा, और नेक्स्ट टाइम भी आपको काम में आएगा। तो अभी ये भरने के बाद में हमने इसको रस्से से भी बांधा है, देखो नीचे, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये खड्डा है तो ये थोड़ा नाजुक है, थोड़ा फैले नहीं, इसलिए इसको टाइटनेस आने के लिए मैंने भरने से पहले इसको रस्से से बांध दिया था, तो आपको भी इसको भरने से पहले सारा मटेरियल रस्से से अच्छे से बांध देना है। और फिर बांधने के बाद ये देखिए इस तरह से सेट हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो इस बक्से को हमने कल मटेरियल के साथ फिल किया था, कल की डेट थी 7th August 2023, और आज की डेट है उसका मतलब नेक्स्ट डे, ऑब्वियसली 8 तारीख है, तो आज हम इसको रस्सियों को काटेंगे और इसको बक्से को निकालेंगे, ऊपर खींचेंगे इसको, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ रस्सी काट के। बिकॉज मैं एक हाथ से शूट कर रहा हूँ तो मैं इसको एक हाथ से निकालना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि इसके लिए आपको दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा यू नो ऐसे थोड़ा से आगे पीछे थोड़ा सा हल्का हल्का करके इसे ऊपर इसको आपको पुल करना है, तो ऊपर खींचने के लिए आपको थोड़ा सा इसको हल्का सा थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा और दोनों हाथ लगेंगे, तो मैं दोनों हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए मैं आपको निकालने के बाद ही दिखाऊंगा। लेकिन देखिए मैंने थोड़ा सा आधा निकाल दिया इसको, तो ये खोखा निकलने के बाद, बक्सा निकलने के बाद कॉलम बिल्कुल रेडी है और बहुत अच्छी तरह से बना ही है। अब इसके ऊपर एक यू नो फाइन रेत की एक प्लास्टर आएगी तो ये और अच्छा दिखेगा, फिनिशिंग अच्छा आ जाएगा इसको। अभी रफ़ कंडीशन में है, रफ़ कंडीशन में जानबूझ के रखा हुआ है ताकि इससे प्लास्टर अच्छा बैठे। हाइट आप अपनी अब से बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बोला, और मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैंने आपको एक टिप बताऊँगा कि खोखा आप दोबारा यूज़ कर सके, तो ये खोखा दोबारा आप यूज़ कर सके, ये बक्सा आप दोबारा यूज़ कर सके जिससे हमने कॉलम बनाया है, तो उसके लिए एक टिप है, आप इस बक्से के अंदर जो कि परफेक्ट साइज़ का है इस कॉलम के लिए मेजरमेंट के हिसाब से, आप ऑयल लगा दीजिए। देखिए आपको ये लगा होगा, दिखा होगा यहाँ पे, ऑयल लगा दीजिए इसको पूरी तरह से, ऐसे ब्रशिंग कर दीजिए ऑयल का, जो कि पुराना ऑयल होता है ना कोई भी गाड़ी का ख़राब, वो आप यूज़ कर सकते हो और इसको अंदर से लगा सकते हो, तो इससे आप इस खोखे को, इस बक्से को दोबारा यूज़ कर सकते हो, इसमें सीमेंट भी नहीं लगेगा, पानी भी नहीं जाएगा और आपका कॉलम अच्छे से बन जाएगा। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।